अभी बगल में छोरा गांव में ढिढोरा वाली बात हो गई। हमने इस महीने में पिन जनरेट अप हो रहा है, कहीं एक्सपायर ना हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं इस तरह से वीडियो शूट कर रहा हूं, वरना आजकल तो ब्लॉग ही बन रहे थे लगातार, बट अब कुछ दिन तक आपको इसका कमाल दिखाया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये है मसल ब्लेज की प्रो चेक किट, जिससे आप घर पे ही किसी भी प्रोटीन का पता लगा सकते हो, जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है उतना प्रोटीन है या नहीं है। तो आज सबसे पहले बारी है अपने DN हेल्थ केयर के प्रोटीन की, क्योंकि मैं इसे अपने सप्लीमेंट शॉप पे सेल भी करता हूँ, इसे मैं खुद पर्सनली खाना स्टार्ट भी करने वाला हूँ, तो कम से कम पहले इसे चेक कर लिया जाए। उसके बाद हमारे पे और भी बची हुई है किट, 3-4 और हैं, तो आगे चल के किसी और सप्लीमेंट का हम टेस्ट कर लेंगे, जो आप कमेंट में बोलोगे उसका कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इसे ओपन कर लेते हैं। देखो नया बॉक्स है, मैं इसे खोल रहा हूँ, तो कुछ इस तरह की पैकिंग है, तो चाबी की जरूरत पड़ेगी। इसमें देख सकते हैं आप लोग, पूरा भरा हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने सेकर के अंदर ठीक 200 ml पानी लेना है। तो ठीक 200 ml मैंने सेकर के अंदर पानी ले लिया है। इसमें प्रोटीन डालने से पहले अपनी किट को भी खोल लेते हैं। ये देखिए, तो ये है इसका जार। तो सबसे पहले से यहाँ रखते हैं। अब इसमें हमें 35 ml केमिकल डालना है, जो इसके साथ में आता है। अब इसमें एक किट और है, इसका बाद में देखेंगे। अब इसे भी खोलना पड़ेगा किसी चीज से। देखिए मुगल चाकू वगैरह, सील्ड पैक है इसका। तो केमिकल की बोतल को पहले खोल लेते हैं हम चाकू से। तो अभी हम काफ़ी कंपनियों के टेस्ट करने वाले हैं घर पे ही। इसे 35 ml तक हमें भरना है। देख सकते हैं आप लोग, पूरा 35 ml मैंने इसे भर दिया है। अब डालेंगे इसमें प्रोटीन। तो 200 ml जो हमने पानी भरा है उसके अंदर हम एक स्कूप प्रोटीन डालते हैं। तो एक स्कूप प्रोटीन मैंने निकाल लिया है, अभी हम इसके अंदर डालेंगे ये। अब इस बॉक्स को बंद कर देते हैं, अभी इसका काम खत्म है। और अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे 25 से 30 सेकंड। तो अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसमें से हम 10 ml प्रोटीन इसके अंदर डाल देते हैं। तो पहले से उठा के डाल देता हूँ, अच्छे से डल जाएगा, फिर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा पास करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसमें 10 ml प्रोटीन डाल दिया है, 35 ml इसमें केमिकल था। अब इसे अच्छे से हम बंद कर देते हैं। अब से हमें अच्छे से मिक्स करना है, 10-15 सेकंड हम इसे अच्छे से हिला के मिक्स कर देते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे आराम से रख देना है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा उसे आने में 18 से 24 घंटे लगते हैं, मिनिमम 18 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे। तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कितना प्रोटीन परसेंटेज इसमें लिखा हुआ है और कितना ये बता रहा है। अभी लंच का टाइम हो गया है, तो फटाफट से अपना लंच करते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊंगा, जो बचा हुआ प्रोटीन ये है, इसे हम पी सकते हैं, इसे भी पीने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। तो ये सब साइड रख देते हैं। अब टाइम भी दिखा देता हूँ, अभी टाइम क्या हो रहा है। मुगल दियो फोन। ठीक 3 बज चुके हैं और अभी हमने ये टेस्ट किया है, और कल हम 1 से 2 बजे समथिंग इसे आपको बताएंगे कितना प्रोटीन परसेंटेज है या नहीं है। बंद हो गई तो 3 बजे हैं, दिख रहे हो नहीं है मामा, लाइट फ्लैश। अब तो दिख रहे हैं 3। चलो ठीक है, जो भी है। तो अभी करते हैं फटाफट से लंच, पहले पी लेते हैं थोड़ा सा, यार भूख लग गई। दोबारा दिखा रहा है मुकुल, 3 उसमें दिख नहीं पा रहे थे अच्छे से, दिखा दे। अब दिख गए 3। 2000 years later। तो अभी हो गया है अपने लंच का टाइम। तो इधर है 5 बॉयल एग, 1 खीरा, 1 टमाटर, थोड़ी सी सॉस। तो इसे फटाफट से खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से।
वैसे सही टाइम पे हमने वीडियो शूट कर ली क्योंकि लाइट चली गई है अब, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब। ये देखो बारिश होने वाली है। रात इतनी तेज बारिश थी, मैं स्कूटी से आया, एक जूते तो मेरे भीग गए, दूसरे ये मम्मी धुल के रख के चले गई हैं, बट इनके फीते ना पते कहाँ चले गए। मिले मुकुल मम्मी, फ़ोन करके पूछो अब तुम। भाई ऊपर धुना रखे होंगे, मम्मी फ़ोन करके पूछ ले, ऐसे कहाँ ढूंढ रहे हो ना। फीते तो मिले ना, तो मैंने वो जो जूते भी रख के उन्हीं के डाल लिए, ग्रे कलर के हैं, अलग हैं थोड़े से। पता है हमारे साथ क्या हुआ अभी? बगल में छोरा गांव में ढिढोरा वाली बात हो गई। हमने फीते ना पूरे घर में ढूंढ लिए, मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया, छत पर देख लिए सब जगह, और पता है कहाँ मिले? ये फीते डाला था ना तो इस वाले जूते के अंदर मिले, ये पड़े। तो अभी मुझे लेट हो रहा है, अभी इन्हीं को लगा के चले जाते हैं, बाद में चेंज करेंगे। चलो मुकुल बॉस। मुकुल बॉस जा रहे हैं हमारे साथ आडवाणी पुल तक, वहाँ एक ATM है SBI का, तो इन्हें अपने नए ATM का पिन जनरेट करना है। कितने दिन हुए तुम्हें ATM आए हुए? 2-3-4-5 महीने। वो 5 महीने में पिन जनरेट अप हो रहा है, कहीं एक्सपायर ना हो गया, वो जो ध्यान रखना बस, ऐसा हो सकता है। लोग ऐसे ही करते हैं। चलो फिर आज देखते हैं। अभी पहुंच गए हम SBI ATM। तो यहाँ तो काम नहीं बनने का, ऑफलाइन हो रखा है, तो प्रेम नगर में ही करना पड़ेगा। ये सुबह से सर को भी कर दिया, दूसरे सर को भी करा, तीसरे जो कैश डालने आते हैं वो ये भी गए। मैं साहब क्या करूँ, क्या यार, हम जब हम नहीं कुछ कर सकते। SBI के साथ हमेशा प्रॉब्लम है। चलो भाई 4-5 महीने बाद पिन जनरेट करने के लिए आया मुकुल, और काम ही नहीं हुआ, ऑफलाइन बता रहा है। प्रेम नगर की साइड कर लियो जब आएगा, या फिर दोबारा कभी आएगा ना कल कॉलेज वगैरह तब कर लियो। A few inches later, को छोड़ दिया है घर और चलते हैं हम अब जिम, काम धाम देखेंगे थोड़ा। रोड की तो बड़े बुरे हाल हैं, पता नहीं कब ठीक होगा ये। हेलो दोस्तों, तो आज है दूसरा दिन, मतलब आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ क्या रिजल्ट आया है अपने प्रोटीन टेस्ट का, क्योंकि हमने जो कल प्रोटीन टेस्ट किया था उसे लगभग अभी 20 घंटे हो चुके हैं, तो अभी अच्छे से टेस्ट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कितना प्रोटीन कंटेंट है DN हेल्थ केयर के अंदर और कितना इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये कितना मेंशन करते हैं। इनके 100 ग्राम के अंदर आपको मिलता है 72.7 ग्राम प्रोटीन, और एक स्कूप यानी 33 ग्राम के अंदर मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये सब, ये है DN हेल्थ केयर का Nitro Pro 6। अभी हम चेक कर लेते हैं अपनी किट के अंदर, तो किट में आप लोग देख सकते हैं लगभग 8-9 ml ये दिखा रहा है। तो अपने चार्ट को पहले चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं अपनी किट में ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा अब, 8-9 ml पे ये लगा हुआ है निशान। तो मतलब 8-9 ml का कितना परसेंट प्रोटीन हो गया, लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बराबर में मैंने चार्ट लगा दिया है। चार्ट के हिसाब से लगभग 65% इसके अंदर प्रोटीन है, मतलब एक स्कूप में आपको 65% प्रोटीन मिल जाता है। वैसे कंपनी भी 70 के करीब क्लेम कर रही है, तो मैं जहाँ तक मुझे पता है हो सकता है किट में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, बट ठीक है चलो 24 ग्राम क्लेम कर रही है कंपनी, 24 नहीं तो 23 तो आपको मिल ही जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में प्रोटीन आपको मिल रहा है, जब 33 ग्राम के स्कूप में आप 24 नहीं तो 23 मान के चलो, 23 तो आपको मिल ही रहा है। उसके साथ साथ BCAA, ग्लूटामाइन, EAA, क्रिएटिन भी आपको मिल रहा है, तो मैं इसे काफ़ी अच्छा पैकेज समझता हूँ। तो मेरी तरफ से ये पास है, इसे मिलते हैं 10 में से 9 स्टार, क्योंकि बिग मसल जैसी बड़ी कंपनियाँ, मैंने उसका टेस्ट नहीं किया है, बट एक दो यूट्यूबर ने टेस्ट किया है, जहाँ पे मैंने देखा है उसमें 14-15 ग्राम प्रोटीन आता है और कंपनी लिख के देती है 25 ग्राम। बट मैं बता रहा हूँ जब मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका खुद टेस्ट करने की सोच रहा हूँ, एक बार मैं खुद अपनी किट से उसे टेस्ट करूँगा तो आप लोगों को भी क्लियर पता चल जाएगा। एक चीज़ और मैंने दिखाता हूँ इसके बारे में, मैंने एक चीज़ और देखी थी, जैसा कि मैंने मसल विलेज के यूट्यूब चैनल पर देखा था। अब हम इसे किट को उल्टा करेंगे ना, यहाँ पे उल्टा करने के बाद में अगर यहाँ पे बचता है ना, ये है रियल वे प्रोटीन, जो डुप्लीकेट प्रोटीन होगा ना वो इसे उल्टा करते ही ना पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। मैं मसल विलेज के यूट्यूब चैनल पर जाके देखा था, आप लोग भी जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर नकली वे प्रोटीन होता है तो वो यहाँ से पूरा एक बार में नीचे आ जाता है, ये पूरा का पूरा ऊपर देखो जम गया है, तो मतलब ये ओरिजिनल है। अभी लगभग 1:15 हो चुके हैं और मैं रेडी हो गया हूँ, क्योंकि मैं आज निकल रहा हूँ जल्दी, क्योंकि अब हमें अपने सप्लीमेंट स्टोर पे और
काम करना है, थोड़ा सा अपग्रेड करना है। जैसे हमने अपने जिम को अपग्रेड किया, अपने सप्लीमेंट स्टोर को भी अपग्रेड करने वाले हैं, तो आप लोगों को और अच्छी डील मिलेंगी और अच्छी सर्विस मिलेगी और सारे सप्लीमेंट कम से कम प्राइस में आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। फटाफट से निकल लेते हैं, वीडियो रेडी हो गया है घर। जिम से आने के बाद सिर्फ मैंने खाया, वीडियो रेडी किया, नहाया, मतलब रेडी हो गया। अब मैं सीधे निकल रहा हूँ, अपना काम धाम देखता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे ही 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ मैं, कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो जल्दी से फटाफट से 5,000 सब्सक्राइबर करवा दो। तो अभी मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ।